हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, जागरूक टीवी की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ दर्शना गहतराज। आज देश में जगह जगह हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कहीं ध्वजारोहण आयोजन में लोग शामिल हुए तो स्कूलों में तिरंगा फहराकर हाफ डे के बाद बच्चे छुट्टी मनाते नजर आए और ज्यादातर ऑफिस से छुट्टी मिलने पर लोग आज इस राष्ट्रीय दिवस को अपने परिजनों के साथ मना रहे हैं। और इसी तरह जालौर में ऊर्जा राज्य मंत्री ने किया मुख्य समारोह में ध्वजारोहण। जालौर जिले में उत्साह और उमंग के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 72वें स्वाधीनता दिवस में समारोह जालौर जिले में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ये समारोह स्थानीय जालौर स्टेडियम में संपन्न हुआ, जहां राज्य के ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने ध्वजारोहण करके समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने जालौर स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया और परेड कमांडर अमरा राम के नेतृत्व में मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य समारोह में राज्य के विशेष आयोजन आयुक्त धन्ना राम पुरोहित, जालौर विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल, पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा उपस्थित थे। जिला स्तरीय समारोह के मार्च पास्ट में पुलिस के पहले दल का नेतृत्व केसा राम ने किया, वहीं महिला पुलिस दल का श्रीमती सरिता ने किया। महामहिम राज्यपाल का आम जनता के नाम स्वदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार ने किया। समारोह में मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने लोगों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन न्योछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को याद करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गए विकास कार्यों के बारे में बताया। मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर बीएल कोठारी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाकर ध्वजारोहण किया और पुलिस गारद की सलामी ली। समारोह में वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया था। आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी बधाइयां देते हुए देश प्रदेश की सारी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।